हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी एंड टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्राची पुरी। आज हम बनाते हैं ये इंस्टेंट चना चाट, चना मसाला, चना नमकीन। ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और टाइम इसमें कुछ भी नहीं लगता, जैसे कि मैंने बोला है इंस्टेंट। तो चलिए बनाते हैं इसे। अगर आप भी चटपटा खाने के शौकीन हैं और इंस्टेंट कुछ चटपटा खाना चाहते हैं तो बनाइए ये चना नमकीन या चटपटे चने। तो देखिए कैसे बनते हैं ये। इसके लिए लिया है मैंने एक पैन और इसमें डाला है एक चम्मच घी। घी को मेल्ट होने देते हैं हम। ये लिए हैं मैंने लगभग एक कटोरी चने। आप चने की क्वांटिटी अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं। ये डाल दिए मैंने इसमें चने। इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए भूनिए। तो इन चनों को मैंने 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। तो अब हम इसमें डालते हैं नमक। ये मैंने आधी चम्मच नमक डाली है, काला नमक डाल रही हूँ। आप चाहे तो सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। ये मैंने डाला है इसमें चाट मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी ये लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स। मिर्च मैंने बहुत कम डाली है क्योंकि मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और ये मैंने डाली है हींग। मिक्स इट वेल। एक बार आप इसे बनाएंगे तो ऐसे स्वाद लेके खाएंगे ना, तो मजा ही आ जाएगा आपको खाने में। तैयार है, गैस बंद कर देती हूँ। तो रेडी है ये हमारे चटपटे चने। तो इन्हें आप स्टोर करके 10 से 15 दिन तक रख भी सकते हैं। और अगर आप इन्हें खाना चाहें उसी टाइम तो आप इनके ऊपर लेमन लगा के खा सकते हैं, लेकिन लेमन लगा के स्टोर मत कीजिएगा, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे। जब भी आप इन्हें खाएं उसके ऊपर लेमन जूस डाल दें, इससे आपके चटपटे चनों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो मैं प्राची पुरी, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलती हूँ अगली रेसिपी या टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।